उधर उत्तम कुमार रेड्डी ने बीजेपी के संकल्प पत्र को बोगस करार दिया। उन्होंने मुसलमानों को नुमाइंदगी के सवाल पर कहा कि जल्द ही हुकूमत में मुसलमानों को नुमाइंदगी दी जाएगी। सर, मैनिफेस्टो पर क्या बोलना चाहेंगे? अब ये बोगस, बीजेपी का बोगस मैनिफेस्टो है। वो उन्होंने जो पार्लियामेंट में अनाउंस किया उसको ही अमल लागू नहीं किया। अभी मैनिफेस्टो का उनका कोई मीनिंग ही नहीं। उनका कांग्रेस का मैनिफेस्टो है सर, आप भी देख लीजिए, जो रियलिस्टिक है, जो हम करने वाले हैं। हमारी पूरी विश्वास है कि इंडिया अलायंस केंद्र सरकार में आएगी। हमारे राहुल जी प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं, प्रधानमंत्री होने वाले हैं, और हमारी मैनिफेस्टो लागू करेंगे। ज़रूर मुसलमान कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी की तरफ से होंगे। अभी तो सारे सीट डिक्लेयर नहीं किया ना, तीन बच्ची है, सिर्फ एक है। नहीं, आप जो प्रश्न पूछे हमने समाधान दिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मुस्लिम कैंडिडेट होंगे।